Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami azab, ये कलीम की नमाज है तो उसका मुकम्मल तरीका किस तरह आप नमाज अदा करेंगे, मुकम्मल समाज के बारे में और हो सके तो वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिए और ये शुरू करते हैं। इसके अंदर रखा दीजिए, पहले आप नियत करेंगे वाजिब नमाज, इस तरह नियत करें। नियत मन में भी कर सकते हैं, दिल को इरादा भी करते हैं। तो नियत इस तरह इसके अंदर नियत की, मैंने दो रकात नमाजें ईद उल फितर की वाजिब छः जायज़ तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह में नवाज़ शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर बोल के इस तरह कान को लोग अंदर ले जाएंगे, आप भी इस तरह मान लेंगे। उसके बाद सलाम पढ़ेंगे, जिस तरह नमाज में पढ़ी जाती है साना सुबहान अल्लाह, उसके बाद वो तकबीर बोली जाएगी, दोनों हाथ को कान तक ले जाएंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इसी तकबीर नाम बार मान लेंगे अल्लाहु अकबर। फिर इमाम के पीछे इमाम जो सुनना पढ़ेंगे अध्याप पढ़ेंगे, जो कुछ पढ़ेंगे उसको सुनना है खामोशी से। फिर पहली रिकात में रुकू किस तरह करेंगे, उसके बाद सजदा करेंगे, फिर ये मुकम्मल एक रिकात हो गए, फिर उसके बाद दूसरी रिकात में फिर आप मान लेंगे, फिर उसके बाद इमाम साहब कोई फातिहा की तिलावत करेंगे, कोई सूरह पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तकबीर बोलेंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तीसरी तकबीर चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर, ये रुकू करेंगे, फिर उसके बाद सजदा करेंगे, फिर जिस तरह अपने आप में बैठते हैं त्याग करेंगे, उसका गुरु शरीफ पढ़ के सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इस तरह आपकी मुकम्मल दो रकात ईद की नमाज मुकम्मल हुई। उसके बाद दुआ फरमाएंगे मोहम्मदी मोहम्मदिया के लिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, इस तरह आप मुकम्मल ईद की नमाज।